2024 लोकसभा चुनाव पलट गया। उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव ने कमाल करके दिखाया है। अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया था कि 12 तारीख को पिक्चर रिलीज होगी जिसका नाम होगा एक थी भारतीय जनता पार्टी। अब कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश जहां से होकर दिल्ली की गद्दी का रास्ता गुजरता है, अब वो रास्ता ही ब्लॉक हो गया है। मोदी सरकार बुरी तरीके से हारती हुई नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त बढ़त बनाई है। आपको बता दें, आलम तो यह हो चुका है कि एनडीए 36 पर और इंडिया गठबंधन 43 पर पहुंच चुका है। तो उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा, हर जगह मोदी सरकार को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश से लेकर लोकसभा चुनाव में 2024 में भारतीय जनता पार्टी को कितना तगड़ा झटका लगा है, इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है 4 PM यूपी को देखने वाले और उत्तर प्रदेश की एक एक खबर आप तक पहुंचाने वाले अब्दुल करीम। क्या लगता है अब्दुल, इस बार तो कमाल हो गया, इस बार तो अभी 12 बजे और पूरी की पूरी पिक्चर रिलीज हो गई कि एक थी भारतीय जनता पार्टी, क्या कहेंगे? प्रियंका जी, कमाल नहीं, ये बहुत बड़ा कमाल हो गया। बहुत बड़ा कमाल। देखिए, 5 सीटों से 37 पर आना, 35 पर आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कितना बड़ा बदलाव समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की छवि में देखने को जो मिला है वो आपके सामने है कि 2019 के चुनाव में जब बसपा सपा का गठबंधन था तो बीएसपी को 10 सीटें मिली थी और 5 सीटें मिली थी अखिलेश यादव को। लेकिन उन्हीं अखिलेश यादव को इस बार अभी तक जो है, समय हो रहा है 12:20 का, और रुझानों में 37 सीटों पर बढ़त बनाते हुए समाजवादी पार्टी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब आप सोच लीजिए कितना बड़ा बदलाव है। कांग्रेस पार्टी जिनको 1 सीट मिली थी मात्र रायबरेली, 9 सीटों पर वो आगे चल रही है इस वक्त। सही बात है। आप सोचिए कितना बड़ा बदलाव है। अमेठी की बात की जाए तो 50,000 सीट वोटों से स्मृति ईरानी पीछे चल रही है। केएल शर्मा से अभी का आंकड़ा मैं आपको बता दूं, 50,000 वोटों से पीछे चल रही है। अब आप देख लीजिए, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरी तरीके से पलटता हुआ नजर आ रहा है। अब्दुल, अगर देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ को जिस तरीके से साइडलाइन किया गया उसका सेटबैक भी नजर आ रहा है। सीएम केजरीवाल ने बाहर आते ही मास्टर स्ट्रोक चला कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिपीट करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्राह्मण ठाकुर की खींचतान मची, अब वो नतीजों में तब्दील होती हुई नजर आ रही है और भयानक नतीजे आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब्दुल, बिल्कुल, जो आपने जिक्र किया ब्राह्मण ठाकुरों का, तो देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश से ये नाराजगी गुजरात से शुरू होती है और आती है पश्चिम उत्तर प्रदेश जी, जी। और उसके बाद जो है पहले चरण में भी ये देखने को मिलता है। और जो मतदान से पहले आपने देखा था कि जो क्षत्रिय समाज के लोग थे उन्होंने किस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में महापंचायतें की थी, वहां पर कस्में खाई गई थी कि जो है हमें बीजेपी को वोट नहीं देना है। उसके बाद आग जला जला कर कस्में खाई। हाँ, जाट तो इतना नाराज हो गया, ये ले भी आए आरएलडी को, जयंत चौधरी को ले भी आए, लेकिन चवन्नी पलट, कोई कमाल नहीं दिख रहा। देखिए आरएलडी की बात अपने की, कोई कमाल होता हुआ नहीं दिख रहा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़ा नुकसान इनको होता हुआ दिखाई दे रहा है। संजीव बालियान पीछे चल रहे हैं, आप इकरासन को ले लीजिए, वो जो है आगे चल रही, तो तमाम सीटों पर उनको वहां पर नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्षत्रिय ब्राह्मणों की आपने बात की, तो वहां से वो नाराजगी शुरू होती है। उसके बाद धीरे धीरे जब ये पूर्वांचल की तरफ बढ़ता है तो ये माहौल और ज्यादा बीजेपी के लिए जो है खिलाफ चला जाता है। और जो लेकिन आंकड़े एग्जिट पोल में दिखाए गए, जो गोदी मीडिया ने दिखाया कि ब्राह्मणों ने इतना % वोट किया, ठाकुरों ने इतना % वोट किया नाराजगी के बाद भी, लेकिन अभी जो नतीजे आ रहे हैं तो वो उन एग्जिट पोल पर तमाचा है। थोड़ा आंकड़े आपको जरा बता दें कि जो गोदी मीडिया ने दिखाया है कि ब्राह्मणों ने कितने % वोट दिए, तो ये एबीपी न्यूज का एक थोड़ा डेटा है, वो आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। इसमें ये दिखाया गया है कि यादव ने जो है वो 18% एनडीए को वोट किया और 70% इंडिया को। देखिए यादव को तो आप जानती हैं कि सपा के साथ जुड़ा, हाँ इंडिया अलायंस के साथ में वो गया है। और जाटों के बारे में जो कहा जा रहा था तो उसका जाटों का वोट जो है एनडीए को 59% मिला हुआ है और 30 के आसपास जो है इंडिया को। और जो ठाकुर और ब्राह्मण की बात आपने की, ठाकुर ब्राह्मण जो है नाराजगी के बाद भी गोदी मीडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी को वोट करता हुआ ये दिख रहा था। 72% जो है यहाँ पर ठाकुर जो है वो एनडीए को वोट करता हुआ दिखा गोदी मीडिया के एग्जिट पोल के हिसाब से, और 23% ठाकुर ने इंडिया को वोट किया। वही ब्राह्मणों की बात की जाए तो गोदी मीडिया के हिसाब से ब्राह्मणों ने जो है एनडीए को 75% वोट किया और 20% इंडिया को। लेकिन ये सारे के सारे आंकड़े इस वक्त झूठे साबित हो रहे हैं, सारे झूठे हैं। और सारे का जो एग्जिट पोल को लेकर कह दिया गया था पहले, ये फेक पोल है, एजेंडा बनाया जा रहा है, आप लोग डटे रहिए। आज भी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, वो ट्वीट है प्रियंका जी मेरे पास, आपको हम पढ़कर बताना चाहेंगे। अखिलेश यादव देखिए लगातार अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देते आए हैं। लास्ट फेज का जो मतदान था 1 जून को, उस वक्त भी अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया था और आज जब
काउंटिंग हो रही है, तो उस वक्त अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया, वो आपको जरा बताते हैं। अखिलेश ने लिखा कि हमको मिलकर लानी है सच की, एक आजादी हम सबके हक की। ये शेर-ओ-शायरी के साथ जो है शुरुआत किया अखिलेश यादव ने। उसके बाद लिखते हैं कि सजग सतर्क सचेत सावधान रहते हुए मतगणना पर निगरानी रखें और पूरी तरह चौकन्ने रहें। जनता को जितना वोट देने का अधिकार है उतना ही अपने वोट की रक्षा भी की जाए। आशा है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता की अपनी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाएगा और किसी भी प्रकार की धांधली की आशंका को निर्मूल करते हुए जनता के मन में अपने सम्मान को निरंतर रखेगा। आज के दिन का पंच परमेश्वर वही है लोकतंत्र, जिंदाबाद। बड़ी बात है। अब तो देखा जाए तो अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया था कि ये लोग ईवीएम के दम पर नहीं, इस बार डीएम के दम पर खेल करने वाले। खबर भी निकलकर सामने आई, जयराम रमेश कांग्रेस नेता है, उन्होंने दावा भी किया कि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से 150 डीएम को फोन किया गया है। अब ये देखिए, अब 400 पार का दावा कर दिया गया, एग्जिट पोल में लोग 400 पार करते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी टेंशन में दिखाई दे रही है और भारी टेंशन में दिखाई दे रही है। और क्यों दिखाई दे रही है? अब ये अपने आप में रुझान साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं, अखिलेश यादव ने जहां एक तरफ ट्वीट किया है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ट्वीट किया गया है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से अपील है कि मतगणना केंद्रों पर डटे रहे और जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही निकले। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन भारी मतों से आगे है, हमारे सभी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। तो सारे के सारे प्रत्याशी जीत रहे हैं और कुछ सीटें भी हैं, जरा उनके नाम हम बता दें कि कहां कहां से जो है बीजेपी को जिन सीटों पर भरोसा था वहां से वो जो है पीछे चल रही है। जौनपुर में प्रियंका जी, ये कहा गया धनंजय सिंह के आने के बाद कि जो है बीजेपी इस सीट आसानी से निकाल लेगी, लेकिन वहां भी जो है अभी तक के हिसाब से 12:30 बज रहा है, ठीक है। और ये 15-20 मिनट पहले के आंकड़े आपको बता रहे हैं, 6,000 वोटों से वहां पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। जौनपुर धनंजय सिंह ने समर्थन कर दिया। मछली शहर सपा आगे चल रही है 9,000 वोटों से, ये भी एक महत्वपूर्ण सीट थी मछली शहर पूर्वांचल में। जौनपुर में बाबू कुशवाहा की हमने बात पहले की, और लालगंज में वहां भी जो है दरोगा सरोज वो आगे चल रहे हैं। वाराणसी में तो खैर बात कर ही चुके हैं, सोनभद्र कुशीनगर तमाम सीटें हैं। कन्नौज में 55,000 वोटों से आगे चल रहे अखिलेश, 55,000 से, हाँ। और मिर्जापुर देखिए एक महत्वपूर्ण सीट है, थोड़ा हम लोग इसको बात कर लेते हैं। अनुप्रिया पटेल ने कह भी दिया था राजा भैया को, ईवीएम के बटन से राजा नहीं कह रहा होते, क्या कहेंगे उस पर। 5,000 वोटों से पहले आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल आगे चल पीछे चल रही है और ये आंकड़ा भी और बढ़ेगा, बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, हार होगी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मिर्जापुर, देखिए कहा जाता है कि राजा भैया का जो प्रभाव है वो सिर्फ कौशाम्बी प्रतापगढ़ और सिर्फ आसपास की सीटों पर नहीं, कई सीट ऐसी हैं जहां पर राजा भैया का प्रभाव है। और मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया से पंगा लेकर सिर्फ अपना नुकसान नहीं कराया बल्कि पूरी एनडीए का नुकसान करा दिया है। और जब उन्होंने बयान दिया तो एनडीए ने उसका समर्थन तक नहीं किया, पीछे चली गई, लेकिन फिर भी उसका जो खामियाजा है वो एनडीए को भुगतना पड़ रहा है, बिल्कुल भुगतना पड़ रहा है। और एनडीए ने, जैसा आपने कहा बात सही है कि एनडीए के किसी बड़े नेता ने ये प्रयास नहीं किया कि चलो ठीक है गलती मान ली जाए, क्योंकि चुनाव लोकसभा चुनाव कोई छोटा चुनाव है नहीं, पूर्वांचल जो सबसे बड़ा क्षेत्र है, कई सीटें वहां पर हैं, तो लेकिन ऐसा प्रयास नहीं किया गया। तो मिर्जापुर में जो बयान दिया कि जो है अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया को लेकर, उसके बाद देखा गया कि खुलकर राजा भैया की पार्टी के समर्थकों ने कौशाम्बी में वो खुलकर प्रचार किया एसपी प्रत्याशी के लिए, उसके बाद खुद राजा भैया ने जो है अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि आप लोग जाइए और समर्थन कीजिए, तो मिर्जापुर वो लोग गए और सपा कार्यालय पर जिलाध्यक्ष को समर्थन पत्र सौंपा। इसी तरीके से कई सीटों पर अनुप्रिया पटेल ने जो है नुकसान अपना भी कराया है। सारे प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी को रोना तक पड़ गया मंच पर, अब आप देखिए। और सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर अब्दुल, मैं ये कहना चाहूंगी कि एक तरफ अमित शाह ने मनाया, बैंगलोर में भी चाय पकौड़े पर बुलाया, और देखा जाए उत्तर प्रदेश भी है, राजा भैया ने मान लीजिए एनडीए को समर्थन नहीं दिया, वो तो चलिए अलग की बात है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी को समर्थन नहीं देना हूँ। उसके बाद खबर निकलकर सामने आई कि अखिलेश यादव को समर्थन दे दिया, और तो और राजा भैया के समर्थकों ने इंडिया के लिए प्रचार भी किया है, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं। बिल्कुल देखिए, हाँ जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं, वो भी आपने देखा होगा, हमने इस पर तमाम खबरें की है। देखिए राजा भैया और अखिलेश के संबंध भले ही मुलायम से जो संबंध थे राजा भैया के, वो जब जाहिर थे और जो मायावती की सरकार आपको याद होगी कि राजा भैया उस वक्त जेल गए थे तो मुलायम सिंह यादव ने उनको बचाया था, तो ये एहसान शायद वो कभी ना भूले। हाँ, तो समाजवादी पार्टी जरूर उनके दिल में अभी भी है, जगह है, भले ही अखिलेश से संबंध इतने चले, लेकिन इस चुनाव में ये देखा गया कि अखिलेश यादव के भले खुलकर वो ना बोले हों, लेकिन अंदर खाने जो वो चाहते थे कि जो है समर्थन वो दे और दिया भी। भले ही राज्यसभा के चुनाव में आपने देखा था कि किस तरीके से उन्होंने बीजेपी को वोट किया था, उसके बाद लग रहा था कि लोकसभा के इलेक्शन में भी वो बीजेपी का समर्थन करेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो इससे ये लग रहा है कि जिस तरीके से जो बयान दिया था उसे मिर्जापुर और तमाम सीटें वहां पर नुकसान एनडीए को होता हुआ दिखाई दे रहा अभी तक के हिसाब से। एनडीए को नुकसान हो रहा है, भारी नुकसान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो जितने भी रुझान है उसमें इंडिया गठबंधन ने सिर्फ बढ़त नहीं बनाई है, जबरदस्त बढ़त बनाई है। आपको बता दें आलम तो ये हो चुका है कि जिस तरीके से एनडीए रुझानों में पीछे होता जा
रहा है, चुनाव आयोग ने खेल भी कर दिया है। आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी की जानबूझकर जो मतदान की गिनती है, वोटिंग की गिनती है, उसको धीमा करा गया है। देखिए लिखा भी है कि सूचना है कि निम्नलिखित सीटों पर भाजपा कार्यालय के निर्देशों के अनुसार वोटों की गिनती धीमी कराई जा रही है और आंकड़े चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देर से अपडेट किए जा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए जब नतीजे आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन बढ़त बना रहा है, तब भी आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी। आप देख सकते हैं तमाम सीटों के इसमें नाम भी लिखे हुए हैं, बहराइच, बदायूं, अलीगढ़, बांदा, बरेली, चंदौली, देवरिया, डुमरियागंज, एटा, अयोध्या, फरुखाबाद, फतेहपुर, घोसी, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर और कैराना, ये सारी की सारी सीटें जिसको लेकर मोदी सरकार बिल्कुल कॉन्फिडेंट मोड में थी। अब्दुल्ला देख सकते हैं कि अब वहां पर आरोप लगाया जा रहा है कि जो गिनती है वो धीमी करवाई जा रही है। अब आप समझिए कि किस तरीके से खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि कांग्रेस मुख्यालय पर जश्न का माहौल है, टेंट लगा दिया गया है, मिठाइयां मंगवा ली गई है और तो और मीडिया भी पहुंच गया है। लाभ लश्कर के साथ मीडिया वहां पर मौजूद है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने मौजूद होता था जब नतीजे आते थे, लेकिन अब सारे के सारे समीकरण पलटते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पूरी जानकारी आपको अब्दुल ने दी है, मैं आपको बता दूं पंजाब में भी एनडीए का सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और हरियाणा की अगर बात की जाए, जहां पर 10 में से 10 सीटें 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी, यहां पर कांग्रेस आगे चल रही है, वो भी 8 सीटों से आगे चल रही है। आप जानते हैं कि किस तरीके से चुनावों के बीच भगदड़ मच गई, निर्दलीय प्रत्याशियों ने साथ छोड़ दिया एनडीए का और अब वही झटका लगता हुआ नतीजों में भी नजर आ रहा है। देखिए एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें 239 बीजेपी को, देखिए अकेली बीजेपी को 239 मिल रहा है, बहुमत से भी बहुत दूर है अभी। मैं अकेली बीजेपी बात कर रहा हूँ, बहुमत से भी बहुत दूर है। तो अब आप सोचिए कि जो मोदी और योगी के बारे में कहा जा रहा था कि मोदी योगी का चेहरा चेहरे पर लोग वोट करेंगे, ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी तो दिखाई नहीं दिया। 239 बहुमत से काफी दूर है बीजेपी, और कोई अपने अगर सरकार बनाती भी है तो कोई अपने दम पर सरकार नहीं बनाएगी बीजेपी, भले ही सारगाट से बना ले वो बात अलग है, लेकिन अपने दम पर इस बार के चुनाव में बीजेपी सरकार बनाते हुए नहीं नजर आ रही है। सही बात है। और देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो घमंड है वो भी एक तरीके से रुझानों में चूर चूर होता हुआ नजर आ रहा है। तो यदि पूरी चर्चा हमें आपको सीट वाइज बताया कि कहां पर क्या चल रहा है, पंजाब से लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और लोकसभा चुनाव किस तरीके से पलट गया है, और जब मोदी मीडिया अंतिम समय में पलटी मार ले तो आप समझ सकते हैं कि नतीजे किस तरफ जाने वाले हैं। बेचारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान भी काम नहीं आया और एग्जिट पोल का 400 पार कराता हुआ आंकड़ा अब पिछड़ चुका है, और कितना पिछड़ चुका है आप इस खबर से समझ सकते हैं। फिलहाल इस पूरी चर्चा पर उत्तर प्रदेश पर, सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए गए उस पर आपको क्या लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें आने